साफ और सब भाई बहनों बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। करीब डेढ़ महीने पहले आशीष चंचलानी के चैनल के ऊपर एक लॉकडाउन रैप करके रैप आया था, जिसमें गाया तो शायद 2-3 लोगों ने था, लेकिन उस गाने में अराउंड 30 यूट्यूबर्स ने फीचर करा था। और इसका जो था रिस्पॉन्स भी आया कि भाई वो गाना एक दिन में नंबर 1 के ट्रेंडिंग में पहुंच गया, क्या बात है। लेकिन उस गाने के नंबर 1 ट्रेंडिंग वीडियो पे आने पे शुरू हो गई कॉन्ट्रोवर्सी। क्या कॉन्ट्रोवर्सी? देखो, लोग ये कहने लगे कि भले वो रैप सॉन्ग था, लेकिन वो अच्छा लिखा रैप सॉन्ग नहीं था, मतलब बहुत ही मीडियोकर टाइप ऑफ रैप था। देखो, मुझे पता है कि इंटेंशन अच्छे थे, इतने सारे यूट्यूबर्स साथ में कोलैबोरेट करे और उस गाने के अराउंड अभी तक 13 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। वो ये मैसेज कन्वे कर रहे थे कि लॉकडाउन के टाइम में बाहर ना निकलो, कोरोना में सेफ रहो। लेकिन प्रॉब्लम खाली इतनी सी है कि जब कोई वीडियो नंबर 1 ट्रेंडिंग के ऊपर आता है तो उसको पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। अब जब पूरी दुनिया के लोग ये देखेंगे कि इंडिया के यूट्यूबर्स ने मिलकर एक रैप सॉन्ग बनाया जो इतने हल्के लेवल का था, तो दिक्कत हो जाती है। इसमें शुरू हो गए दो टाइप के ओपिनियन। कुछ लोग कहने लगे भाई यूट्यूबर्स को रैप सॉन्ग बनाने नहीं चाहिए, वो उसकी बिल्कुल बेइज्जती कर देते। और बाकी लोग ये कहने लगे कि क्यों भाई, रैप सॉन्ग क्यों नहीं बनाना चाहिए, वो किसी की जागीर थोड़ी है। तो आज हम सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड सम ऑफ द लेमेस्ट रैप सॉन्ग्स एवर बाय इंडियन यूट्यूबर्स सुनेंगे। देखेंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, जैसे कैरी मुनाटी हो गए, आशीष चंचलानी हो गए, मोस्टली सेन हो गए, इन्होंने जो रैप सॉन्ग बनाए थे वो कैसे थे। एंड में देखेंगे उनको रैप सॉन्ग बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए, और एक एक करके उनके गाने सुनते हैं और देखते हैं कि भाई उनके रैप में क्या बात थी। बस भाइयों, मेन वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जोर का घंटा मारकर लाल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी, उसको भी टंटना दीजिए। इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए, आईडी का नाम है @FAQNO। भाई ये देखो, यहां सब्सक्राइब करना तो जरूरी है बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना यार। अपने को जल्दी जल्दी 10,000 फॉलोअर्स चाहिए यार इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरे को स्वाइप अप वाले ऑप्शन चाहिए, बहुत सारी चीजें शेयर करनी होती है, बहुत सारे रैपर्स के गाने शेयर करने होते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास अभी तक वो ऑप्शन नहीं आया है। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करिए, 10,000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा दो यार। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं आशीष चंचलानी से। इन्होंने अपना जो रैप सॉन्ग बनाया है उसका नाम है द स्टूडेंट एंथम, या था फेब 2019 में। मैंने गाना नहीं सुना, मुझे नहीं पता इस गाने में क्या है। इस गाने के टाइटल में रफ्तार और शेक्सपियर लिखा है, लेट्स सी इस गाने में क्या होने वाला है। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। हां, सो 3-2-1 हियर वी गो। अच्छा, तो शेक चिल्ली की म्यूजिक लग रही है मुझे, इस वजह से इन्होंने रफ्तार लिखा था। आई एम सैड, इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है यार। डिग्री मिली, जॉब मिली, सो सिली, सुन ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता ही नहीं, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा और फिर भी तू रोलेगा, थोड़ा भी नहीं अब पूरा ही धोलेगा, ठंड में भी खुद को जगाना पड़ा, फ्रेशर्स पार्टी थी जाना पड़ा। देखो, इस गाने में एक चीज तो बड़ी सही है कि इस गाने को हम एक ओरिजिनल रैप सॉन्ग नहीं बोलेंगे, इसको हम पैरोडी ऑफ अ रैप सॉन्ग बोलेंगे, क्योंकि ये शेक चिल्ली का पैरोडी काइंड ऑफ बनाया इन्होंने, विच इज अ स्मार्ट मूव मेरे हिसाब से बाय अ यूट्यूबर, कि उन्होंने अपना रैप सॉन्ग भी बनाया लेकिन उनको रैप के बेसिस पे कोई जज भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक्चुअली पैरोडी है, एंड पैरोडीज आर सपोज टू बी मोस्टली सपोज टू बी कॉमेडी, और जो मेरे हिसाब से इस गाने में सही जा रही है, स्टूडेंट एंथम के नाम को जस्टिफाई कर रही है। एंड आई थिंक इनको ऐसी पैरोडी रैप सॉन्ग और भी बनाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं यार। देखो, इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि ओरिजिनल रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कैरी मुनाटी करते हैं, और एक पैरोडी भी हो रही है और एक फनी एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो इट्स ओके। कैरी मुनाटी पे अभी आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यूट्यूबर इन द लिस्ट मोस्टली सेन 3 गाने बनाए हैं, रैप सॉन्ग्स बनाए हैं, एक एक करके थोड़े थोड़े करके इनके गाने सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे रैप सॉन्ग्स बनाते हैं। तो रिसेंटली मोस्टली सेन का एक गाना आया है जिसका नाम है ये डिस गाना है। ओके, जरा देखते हैं कि इस गाने में ऐसा क्या होने वाला है, और ये रैप सॉन्ग है और इसके ऑलरेडी 3 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। क्या बात है, एरोगेंट ऐसा कर दिखा, ऑल राउंडर मम्मी हूँ मैं, अपनी माँ को मत सिखा, बात का भतंगड़, बेशरम है तू बेहया, बेच के अकल 20 भी ना मिले रुपया। ओके, तो बेसिकली अल्फाबेट रैप करने वाले, ABC वाला जो रैप होता है कि ए से शुरू होकर जी तक जाएगा, मुझे नहीं पता जी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। दुनिया व्हेन इट्स नॉट ताजी, जरा सा हमको भी है आता रैप, शैप हिप हॉप जहर मेरा स्वैग, वो क्या कहते हो तुम बच्चे, माइक ड्रॉप। ओके, तो देखो, मेरे हिसाब से उसको अल्फाबेट रैप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्फाबेट रैप में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो उसी अल्फाबेट से ही होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे स्टार्टिंग अल्फाबेट सेम था हर लाइन का, लेकिन लाइनों में और दूसरे अल्फाबेट से वर्ड बन के लाइन कंप्लीट हो रही थी, और मुझे ठीक लगा, मुझे उतना भी बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, इतनी जज नहीं करते, और जरा वो भी थोड़े थोड़े सुनते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई मोस्टली सेन हिट या मिस है रैप में। नो ऑफेंस, ये गाना मोस्टली इन्होंने अपने हेटर्स के लिए बनाया था, तो चलो ठीक है, ये गाना सुनते हैं और देखते हैं कि इस गाने में क्या बात हो रही है। तो अकेला नहीं, कई सारे चल रहे, तेरे जैसे डेडिकेशन कमेंट्स में उससे ही तो मेरी सारे वीडियोस चल रहे।
ओके तो रिटर्न परफॉर्म बाय प्राजक्ता कोहली, यानी कि ये मोस्टली सेन ने खुद से, प्राजक्ता कोहली बोलू, मोस्टली सेन ने ये गाना खुद से लिखा है। क्या बात है, नॉट दैट बैड एक्चुअली। मुझे एक्चुअली इसका ड्रॉप तो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लगा। मोस्टली सेन की एक चीज मुझे क्या ठीक लग रही है कि एक्चुअली मोस्टली सेन को मेरे हिसाब से बहुत सारी टीनेज लड़कियां फॉलो करते हैं, टीनेज भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, लेकिन फीमेल फॉलोइंग इनकी बहुत ज्यादा है। अगर फीमेल्स अगर इनको रैप करते देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उनका इंक्लिनेशन थोड़ा रैप की तरफ बढ़ेगा, हिप हॉप की तरफ बढ़ेगा, हो सकता है। क्योंकि अगर आप रैप सॉन्ग को इधर उधर कहीं ना कहीं से सुनते हो तो आप में और भी ये जिज्ञासा जागती है कि भाई और कहां पर रैप सॉन्ग है, थोड़ा सुने जाए। ओके गाइस, तो मोस्टली सेन के तीनों गाने सुनने के बाद मैं डिसाइड कर रहा हूं मोस्टली सेन मेरे हिसाब से हिट है यार। देखो पहली बात तो ये है कि वो कोई हिप हॉप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। मतलब पंगे तब होते हैं जब कोई ऐसा यूट्यूबर आएगा जो अपने रैप स्किल्स दिखाने के लिए आया और तब वो अच्छे रैप ना कर पाए। तो देखो मेरे हिसाब से आशीष चलचलानी और मोस्टली सेन जो है वो कंटेंट बनाने के लिए रैप कर रहे हैं, तो वो चलता है, वो रैपर रैपर की तरह रैप नहीं करेगी देखो मैं कितना अच्छा रैपर हूं। लेकिन हमारे जो आगे बचे हुए यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो अपना रैप ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई जैसे उन्होंने कोई रैप सॉन्ग ही बनाया। चलो ठीक है, एक एक का गाना सुनते और देखते कि उन्होंने कैसा परफॉर्म करा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट यूट्यूबर इन द लिस्ट है गौरव जोन। जिनको गौरव जोन के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि ये बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, मतलब इनका करीब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, क्या बात है। और इन्होंने अपने 2 रैप सॉन्ग बनाए थे करीब एक एक साल पहले, जनवरी 2019 में एक आया था और दूसरा आया था अगस्त 2018 में। ओके तो देखते चलो ये गाने सुनते, इनके गाने सुनते देखते उनमें क्या हो रहा है। जो ये अपने व्लॉग्स बनाते हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा अपनी रिच लाइफ दिखाते हैं, मतलब बढ़िया से बढ़िया बाइक्स, कार्स, जूते, चेन, जैकेट, घड़ी सब होती है इनके पास। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनके गानों में भी वही चीज, वही बात होनी चाहिए। चलो सुनते हैं और जरा देखते हैं कि इन्होंने कैसा रैप करा। मेरा नाम गौरव बेटा, आजा मेरे जोन में, गाड़ी मेरे तेज बजाऊं गाने में शोर से, अंदाज मेरे ऐसे करूं नोटों की शावर, बंदा में मिसाल फुल पावर। ये क्या था? What? ये क्या था? क्या था? शावर के बाद जो पावर वाली इन्होंने इतनी पावरफुल राइम बिठाई थी वो बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट थी। मेहनत की कीमत हुकूमत है अपनी, इंडस्ट्री ऐसी सफलता से चलती, गलती से मुंह लगा तो मुंह से गंदा ना कोई और, गाड़ी मेरी चले मोहल्ले में तेरे शो, मोहल्ले में तेरे शेरे, मोहल्ले में तेरे शेरे, मोहल्ले में तेरे शेरे, मोहल्ले में तेरे शो। ड्रॉप आने वाला है, ड्रॉप देखते ड्रॉप कैसा है। ये कौन सा रैप है यार, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बहुत ही ज़्यादा तुच्छ लेवल की राइटिंग थी इस रैप में मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा बकवास लिखा था भाई ने। डिलीवरी डिलीवरी पे तो नहीं जाते हैं लेकिन लिखा बहुत ही खराब था। और पता है यही वो मेरे को अभी दूसरा गाना सुनते हैं लेकिन पहले गाना सुन के ये फील हो रहा है कि शायद यही वो यूट्यूबर है जिनकी वजह से ये वाली वॉर शुरू हो गई कि यूट्यूबर्स रैप क्यों करते हैं जब वो कर नहीं पाते। चलो ठीक है, एक और गाना बचा है इनका जिसका नाम है जिगर के छल्ले, जरा उसको भी सुनते हैं, जरा देखते उसमें क्या बात हो रही है। ओके तो गाना शुरू हुआ है, एक्चुअली अभी तक 24 सेकंड हो चुके हैं। देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले। भाई पहले 24 सेकंड जो था वो था गाने का बिल्डअप, फिर 50 सेकंड तक वो खाली यही बोलते रहे देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की। वाह भाई ये गोभी वाली लाइन, एक सेकंड यार, मतलब दिस इज टू मच मैन, क्या लिख रहे हैं यार लोग, खुद दी बारे उसकी गोभी यार, मतलब कुछ तो यार। गौरव मेरे भाई प्लीज रैप ना करो यार, प्लीज रैप ना करो, तुमको देख के तो सही में रैपर किल से गई यार, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं उनको व्यूज नहीं आते। और इस मेरे भाई के 4,082,000 व्यूज हो चुके, क्या बात है, यानी कि हिंदुस्तान के 48 लाख लोग उनका ये गाना सुन चुके हैं। ना सोच रहे हो 48 लाख लोगों ने गाना सुना है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल शिट है यार। मुझे लगा था टेक्निकल गुरु जी की बहुत ही ज्यादा इनोसेंस से गंदा ट्राई था, बट दिस इज लाइक पैसा वैसा खर्च करके लिटरली ये गाना बनाया है, बोले ये तो टी है। तो नेक्स्ट यूट्यूबर इन द लिस्ट जो है वो है आजकल के वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक इन इंडिया, ऑब्वियसली आफ्टर कोरोना वायरस, और उनका नाम है कैरी मिनाटी। पता कैरी जो है वो जो रैप निकालते हैं वर्सेस जो दूसरे यूट्यूबर्स रैप निकालते हैं उनमें फर्क पता है, मेन फर्क मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कैरी अपने लिखाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान। चलो ठीक है, ऐसा बात है बाद में करेंगे, हम जरा 2-3 गाने सुनते हैं। ठीक है पहले कौन सा सुने, पहले जरा ट्रिगर सुनते हैं, देखते हैं ट्रिगर में क्या हो रहा है। इसमें तो सारे मेरे ही घोड़े हैं, सिस्टम ने मेरे आगे हाथ जोड़े हैं,
भेदभाव करने वाले सारे गोरे हैं, देश चलाने वाले भी तो सारे सोरे हैं। यार देखो मतलब तुम्हें साफ सुन के लग रहा है यार कि इस बंदे ने लिखने में तो मेहनत करी है यार, कम ऑन मैन। मतलब जैसे बाकी हल्की हल्की लाइनें या फिर जो फनी रैप लिख रहे थे, ये फनी भी नहीं लिख रहे हैं, ये सीरियस लिख रहे हैं भाई, लिखने में मेहनत कर रहे हैं। उनकी डिलीवरी भी, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी सही लग रही है। कमाए साले झूल मत, चाटे कितने खाए बचपन में भूल मत, मुझे देख के सलाम कर दूर मत। ओके ठीक है, चलो ये गाना हमने सुन लिया। ट्रिगर जो मेरे हिसाब से अब एवरेज है, मेरे हिसाब से बोल सकते हैं इसको अब एवरेज रैप सॉन्ग, क्योंकि अच्छी लिखाई करी है, डिलीवरी अच्छी है, प्रोडक्शन तो देख के भाई प्रोडक्शन अच्छा होता है, जो ओवरऑल आपका वीडियो होता है अगर वो अच्छा होता है तो वो चार चांद लगा ही देता है। लेकिन हम वाले बायस में नहीं जाएंगे, हम इनको अब भी क्योंकि ये सीरियस रैप कर रहे हैं तो हम स्ट्रिक्टली स्ट्रिक करेंगे इनके रैप के ऊपर। तो अब जरा जो इनका नेक्स्ट सॉन्ग है जिसका नाम है जिंदगी, इस गाने का 12 मिलियन व्यूज है। ये लाइन बड़ी फेमस हो रही थी, रोड से करोड़ तक की है जिंदगी। ठीक है, इस गाने को भी हमने स्वाद ले लिया, लेकिन इस गाने बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अब जरा इनका वॉरियर सॉन्ग भी सुनते हैं जरा साथ में, उसके बाद में ओवरऑल बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ कैरी के रैप के बारे में, उनको रैप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है यार, देखो यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब भी कर लो, देख रहे हो ना वीडियो अच्छा लग रहा है ना, ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ताकि आप कोई भी मेरे वीडियोस मिस ना करिए और थोड़ा सपोर्ट मिलता है। इंस्टाग्राम तो फॉलो करना, चलो ठीक है बाद में प्रचार करेंगे, वीडियो देखते हैं फिलहाल। तो इस गाने का नाम है वॉरियर, इसके अराउंड 9 मिलियन व्यूज है, क्या बात है, मतलब कैरी के तो गाने भयंकर चलते हैं। ओहो बहुत ही ज्यादा सॉलिड बीट स्टार्ट। हां तू लेता क्यों सांस जब पूरा तने जाए बकवास, हां मुश्किलें 50 एक खत्म तो दूसरी तैयार, हां मैं ना रहता पास इस दुनिया में ना कोई खास, हाँ एक साल की है बात मेरा पुतला बने का शानदार। वक्त के तख्त पे बैठूंगा मैं, अब मेरे खिलौने की चाबी मुझे वापस करेगा मैं तेरा फालतू का ड्रामा, अब जेडू का बता कब मुझे 9 साल जीने दे, अब शब्द निकले मेरे मुंह से कब मुझे तोल मत मैं सबसे अलग, गिरना बंद हुई बड़ा की बरस मुझे रोक ले वरना होगा हालात, सब कुछ तू ये करता है क्यों, एक जिंदगी ही मिली मुझे यूं, एक फील को ना करूं क्यों चूज, इन्हीं चक्करों में हुआ वेट लूज, मुझे किया बहुत लोगों ने यूज, शब्दों का गेम करे कंफ्यूज, अब खुला मेरे दिमाग का फ्यूज, इसलिए पिछली बार ना हार यू। ओके तो हमने सुन लिया कैरी के गाने। अब देखो मैं तुम्हें क्या बोलता, देखो कैरी की राइटिंग मेरे हिसाब से ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है डेफिनेटली जैसा रैपर्स लिखते हैं उतनी अच्छी कैरी की राइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कैरी की राइटिंग अच्छी है, क्योंकि रैपर जो होता है ना वो कई सारे पैरामीटर्स पे गाने लिखता है। मुझे नहीं लगता कि कैरी जो है वो गाने लिखते टाइम उन सारी टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो रैप लिखते टाइम जो उनको स्टोरी कन्वे करनी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और राइम बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, मुझे कैरी का फ्लो अच्छा लगा, मुझे कैरी का फ्लो मस्त लगा, क्योंकि मैंने एक चीज और नोटिस करी, कैरी जो है ना अपने गानों में अपनी आवाज में एक एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे ही जो है सुनने वाले के मन में इमोशन जनरेट होते हैं। लेकिन मुझे, मैं कैरी को एक सलाह दूंगा, उनको पता है क्या करना चाहिए, उनको बहुत ही अच्छे रैपर को पकड़ना चाहिए और उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए। पता मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैरी में साफ पोटेंशियल दिखता है कि अगर वो खाली रैप करने पर आ जाए ना तो मेरे हिसाब से ये बंदा बहुत सही लेवल के रैप कर सकता है। अभी देखो नॉर्मल जनता गाने सुनती है वो रिलेट करती है, क्योंकि कैरी वैसी इमोशनल बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, और प्लस मतलब वैसे भी अच्छे ही रैप बनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनको किसी ना किसी प्रोफेशनल से एक गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। तो हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूट्यूबर्स इन निकालते रहते और भाई इनके रैप जरूर सुनना, आई एम डैम श्योर कि इनको सुनने के बाद हमारी ओपिनियन कुछ अलग होने वाली है। तो जॉर्ड इंडियंस के भी करीब 3-4 रैप सॉन्ग है और मेरे भाई उनके रैप बहुत ही अलग होते हैं, चलो साथ में सुनते हैं, देखते हैं कि कैसे रैप बनाते हैं। ये क्या हो गया? ओके वैंको, मुझे पता है कि एक यहाँ का लोकल लैंग्वेज का मोस्टली स्लैंग है, बट वैंको यहाँ भी आया था, अच्छा ये मैंने नोटिस नहीं करा था। Is Mahmoud and I like to play the FIFA. Whatever team you pick, bro, you know I'll always beat ya. If you win against me, guarantee you are a cheater. PS4, Xbox One. Bro, इसको कहते हैं funny rap करना और तब भी rap के सारे aspect maintain करना।
ये गाना मैंने एक्चुअली में बहुत बार सुन रखा। मैं चाहता था कि हमारे जितने जिन भाइयों ने गाना नहीं सुना वो इस गाने को चेकआउट करें। मेरे को गाना बहुत ज्यादा सही लगता था। मैं शायद मैंने ये गाना सुन के ही इनके बारे में जाना था। और तो देखो मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ कि दोनों अरेबिक बंदे रहे हैं, दोनों इंडियन हैं। बस ये फनी तरीके से, बिकॉज आई थिंक ये दोनों में से दोनों या फिर कोई एक बंदा जो था वो सऊदी अरेबिया में जाके रह चुका है, मिडिल ईस्ट पे जाके रह चुका है, तो ये उसी एक्सेंट में कर रहे थे स्मोक शीशा प्ले फीफा। और हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो दोनों बंदे हैं, ये दोनों बंदे हिप हॉप से रिलेटेड हैं। जो इसमें कैप लगाए थे, जो डांस कर रहे थे, उनका नाम है नासिर। ये मेरे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छी बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छी बी बॉइंग करते हैं, बहुत अच्छी लॉकिंग पॉपिंग करते हैं। और जो दूसरे बंदे हैं विनीत, वो एक बहुत बढ़िया बीट बॉक्सर है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो सलमान खान का इंटरव्यू ले रहे थे, पहले इंटरव्यू शायद लेते थे, और जिसमें सलमान खान को बीट बॉक्सिंग सुना रहे थे। तो भाई इस वजह से शायद इनका रैप गेम इतना सही लगता है। आई थिंक मेरे को लगता है कि यार ये लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा हिप हॉप को फॉलो कर रहे हैं, इतना ज्यादा रैप सॉन्ग सुन चुके हैं कि अब इनके अंदर वो सेंस आ चुका है कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है, और शायद इसी वजह से ये इतना सही रैप भी कर लेते हैं। अब देखा जो सुनता है उसको सेंस तो आ जाता है। अब भाई देखो मेरे को सुन सुन के ही सेंस आया मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको बोलूं आज हमने जितने भी रैपर्स सुने, यूट्यूबर्स हु रैप टू, उसमें मेरे हिसाब से बेस्ट हैं जॉर्ड इंडियंस। मतलब इस पे कोई शक ही नहीं है कि इनसे अच्छा रैप किसी के नहीं था। लेकिन देखो अभी भी क्वेश्चन वही है कि क्या यूट्यूबर्स को रैप करना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या है? बताओ। हमने सुना आशीष चंचलानी और मोस्टली सेम ने जो था फनी रैप बनाया था, कैरी मराठी ने सीरियस रैप, गौरव जोन ने गोबर रैप बनाया था, और अब जॉर्ड इंडियन ने बहुत ही ज़्यादा सही रैप बनाया। तो रैप यूट्यूबर्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से रैप जरूर करना चाहिए। या तो वो आशीष और मोस्टली सेम की तरह उसको अपने कंटेंट की तरह बना रहे हैं, जिसमें अगर उनको कोई फनी रैप बनाना है या पैरोडी बनानी है तो वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर वो जॉर्ड इंडियन और कैरी की तरह अपनी राइटिंग के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, एक बढ़िया रैप डिलीवर की करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। दिक्कत आ जाती है जब गौरव जोन टाइप के यूट्यूबर, जो कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं, वो कुछ भी निकालते हैं। तो देखो यार वो गौरव जोन के बहुत सारे वीडियोज हैं वो टॉप 50 ट्रेंडिंग में जाते हैं। अब अगर वो ऐसे रैप सॉन्ग निकालेंगे और वो जो रैप नहीं सुनता है लेकिन गौरव जोन को फॉलो करता है, उसके मन में रैप की इमेज क्या बनेगी कि शायद रैप तो यही है, मतलब खुद दी उसकी गोभी इस टाइप की बातें लिख दो और रैप बन जाता है। अब जो भी काम करने जा रहे हो कम से कम उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करो, अपने अंदर स्किल सेट लाओ, उसको सीखो, और जब आपको लगे कि हाँ मैं बढ़िया कर लेता हूं तब करो। मतलब नहीं तो फिर वही वाली दिक्कत आ जाती कि आप चाहे जितने भी बड़े यूट्यूबर हो लेकिन जब आपको कोई रैपर सुनेगा या कोई हिप हॉप वाला बंदा सुनेगा तो आपको गाली देगा। तो भाई मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि हर्ष बेनीवाल, टीएसपी, अनीशा दीक्षित, टीवीएफ, गर्लियापा, और भी बड़े सारे हैं, लेकिन उनको मैं कवर करने की सोच रहा हूँ इस वीडियो की सीरीज पार्ट टू में। लेकिन उसका पार्ट टू सिर्फ और सिर्फ तब बनाऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर कम से कम 7000 लाइक्स आएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू बनाऊं तो इस वीडियो के ऊपर लाइक ड्रॉप जरूर करना। 7000 लाइक्स होते ही मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा, जिसमें मैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को कवर करूंगा। तो ठीक है भाई, वो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इनोवेटिव लगा, थोड़ा क्रिएटिव लगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने आपको बोला कि भाई वहाँ फॉलो करें यार, मेरे को 10,000 फॉलोअर्स वहाँ पे जल्दी जल्दी चाहिए, मेरे को स्वाइप अप वाला ऑप्शन चाहिए, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे रैपर्स के गाने शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी स्वाइप अप ऑप्शन ही नहीं, इसलिए नहीं कर पाता। तो प्लीज़ इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि भाई बहुत स्लो हमारी वो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, स्वाइप अप वाला ऑप्शन दिलाइए, आपके हाथ में, मैं वीडियोस बना सकता हूँ भाई, बाकी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है वो आप लोग कंट्रोल करते। तो भाई बहनों इस वीडियो में इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सस्ते संगीत से बचा के रखिए, एंड हैशटैग म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए। अब फेक।